हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस जैसे में आपका स्वागत है। अपने मैथ के परसेंटेज टॉपिक चल रहा है और परसेंटेज के अपनों ने काफ़ी टाइप अपनों ने कंप्लीट कर चुके हैं और इसके दो तीन टाइप और बचे हैं जो अपने कंप्लीट करेंगे। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपने करेंगे स्टार्ट। तो आज का जो टाइप नंबर 11 है वो देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है चुनाव से रिलेटेड। जी, चुनाव से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं अपने वो करेंगे कंप्लीट। तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन क्या है चुनाव से रिलेटेड। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने ने भाग लिया है? दो उम्मीदवारों ने भाग लिया है। डाले गए कुल मतों का 20% मत जो है अवैध घोषित हो गया। अवैध घोषित हो गया यानी कि खारिज हो गए, उन्होंने वोट नहीं डाले। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 4800 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया? 4800 मतों से जीत गया यानी कि 60% मत प्राप्त हुए। किसमें से? जीतने वाले को, जो कि वैध मत थे उनमें से। तो उसने पूछा है मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी थी, यानी कि टोटल मतदाता कितने थे उनकी संख्या अपने को इसमें बतानी है। तो चलो करते हैं स्टार्ट कि अब देखो इसमें कहा है कि दो उम्मीदवार थे। कितने थे? दो उम्मीदवार। और जीतने वाले को 60% मिले किसके? वेद मतों के। किसके? वेद मतों के। तो देखो कि अपने को पता है जो मत होते हैं वो 100% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 100%। अब 100% में से उसने कहा कि 20% तो क्या हो गए? अवैध हो गए। 20% कितने हो गए? अवैध हो गए यानी कि वो मत डाल ही नहीं सकते। ठीक है, अब डाले कितने गए? 80%। अगर 100% में से 20% अगर अवैध हो गए तो डाले गए मतों की संख्या कितनी होगी? 80% होगी, पता है अपने को। अब देखो अब इसने क्या कहा कि 80% में से जीतने वाले को, जीतने वाला, ये जीतने वाला है, ये मान लिया हारने वाला है, हारने वाला। अब इसने कहा जीतने वाले को 60% मत मिले किसमें से? वेद मतों के। किसकी बोल रहा है? वेद मतों का 60%, यानी कि 80 का 60% मिला। तो 80 का 60% निकालें तो कितना होगा? 80 का 60% निकाल दो आप तो कितना है, आपको सबको पता है, निकालना आता है आपको। 8 6 48 यानी कि 48% मत किसको प्राप्त हुए? जीतने वाले को पता हो, जीतने वाले को प्राप्त हुए। अब देखो अगर जीतने वाले को 60% मत प्राप्त हुए तो आप जानते हो कि हारने वाले को कितने प्राप्त होंगे? आप कहोगे 40% होंगे, क्योंकि टोटल कितने होते हैं? 100 होते हैं, यानी कि 80 का 100% मानेंगे ना आपने। तो जीतने वाले को 60% प्राप्त हुए तो हारने वाले को कितने होंगे? 40%। और अब अगर 80 का 40% निकालेंगे, 80 का 40% निकाला तो कितना होता है? आपको पता है 32% होता है। कितना होता है? 32%, यानी कि हारने वाले को 32% मिले हैं और जीतने वाले को 48% मत प्राप्त हुए। अब देखो अब इसने क्या कहा है, और वह कौन? जीतने वाला 4800 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया? 4800। अब देखो यहां देखो कि जीतने वाला जो है कितने प्रतिशत से जीता है, अपने किसमें चेक करेंगे? प्रतिशत में, कि जीतने वाला कितने प्रतिशत से मतों से विजयी हुआ है। तो आप कहोगे 48 और 32 का जो डिफरेंस है वो है 16%। कितना है? 16%, यानी कि जीतने वाले को 16% मत क्या है, ज्यादा मिले हैं। कितने ज्यादा मिले हैं? 16%। तो 16% किसके बराबर हो गया? आप कहोगे 4800 के, क्योंकि उसने कहा है कि 4800 मत जीते हैं। कितने मतों से जीता है? 4800 से। 16% का मतलब हो गया 4800। चलो ठीक है, अब देखो 16% का मतलब पता है तो आप 1% का मत निकाल सकते हो। 1% का कितना हो जाएगा? 16 3 48 होते हैं यानी कि 300। 1% का मतलब हो गया 300। अब इसने कहा था कि मतदाता सूची में कुल कितने मत हैं, मतदाता सूची में कुल कितने वोट हैं। तो आपको पता है कि मतदाता सूची में जो थे वो 100% थे। कितने थे? 100%। आपके पास 1% की वैल्यू आ गई तो क्या आप 100% की नहीं बता सकते वैल्यू? बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। जब आपके पास या तो 1:1 की वैल्यू या 1% की वैल्यू आ जाती है तो आप क्वेश्चन में कोई भी आपसे आंसर पूछे आप उसका तुरंत आंसर दे सकते हो। तो 1% की वैल्यू 300 है तो आप कहोगे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको 100 से गुणा कर दो, यहाँ 100 से गुणा किया तो इसे आप भी 100 से गुणा करना पड़ेगा यानी कि 300 × 100। तो आंसर आ गया 30,000। आंसर कितना आ गया? 30,000, यानी कि मतों की संख्या कितनी थी? 30,000 थी। दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन अपने। इसने कहा था कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया और डाले गए मतों का 20% मत क्या है, अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 4800 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो अपने को पता है कि 100% वोट होते हैं।
कितने परसेंट होते हैं, 100% होते हैं। उसमें से अवैध कितने होंगे, 20%, तो वैध कितने होंगे, 80% होंगे। ठीक है, अब इसने कहा कि जीतने वाले को वेद मतों का 60% मिला, तो हारने वाले को आपको पता है कि 40% मिला होगा, तो 60% निकाला तो आया 48 और 40% आया 32। अब देखो कि परसेंट में उसने देखा कि कितने प्रतिशत से जीत गया, तो आप कहोगे 16% से जीत गया जीतने वाला, तो 16% किसके बराबर हो गया, 48 के, 1% की वैल्यू 300, तो 100% की वैल्यू 30,500। चलो अब देखो और इसको किस तरीके से अपने कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को और कैसे अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कि मैंने माना कि जो मत थे वो मतों की संख्या है वो मुझे नहीं पता, तो मैं उसको मान लेता हूँ एक्स मत। मतलब कि मेरे को नहीं पता कि टोटल जो मतदाता हैं वो कितने हैं, तो मैंने माना कि एक्स है। अब इसने कहा क्या, कहा कि वेद मतों का, इसने कहा कि वेद मत कितने हैं 80% और अवैध कितने हैं 20%। तो देखो एक्स प्रतिशत यानी कि अपने को वोटों की संख्या निकालनी है, तो इसमें वेद कितने हैं, आप कहोगे 80% है, तो 80% का मतलब कितना होता है, 80% का मतलब होता है 4/5। कितना होता है, 4/5, 80% का मतलब होता है 4/5 होता है। अब देखो एक्स का 4/5 यानी कि जो वेद मत है कितना, एक्स का 4/5% यानी कि एक्स का 4% जो वेद मत है वही तो गिने जाएंगे। ठीक है, यानी कि अपने को टोटल वोट निकालने हैं कि उसमें वोटों की संख्या कितनी थी, तो एक्स का 4/5 यानी कि उसने जो वेद मत हैं। अब देखो अपने को पता है कि इसमें से, इन वेद मतों में से एक को 60% मिले हैं और दूसरे को मिले हैं 40%। यही तो है कि वेद मतों का 60% तो जीतने वाले को मिला है और हारने वाले को कितना मिला है, 40%, क्योंकि अगर एक को 60 मिलेगा तो दूसरे को क्या मिलेगा, 40%। ये किसमें से, वेद मतों का, किसमें से, वेद मतों का 60% जीतने वाले को, 40% हारने वाले को। अब देखो प्रतिशत में कितने का अंतर है, प्रतिशत में आप कहोगे 20% का अंतर है, कितने का अंतर है, 20% का, और 20% का मतलब आपको पता है, मैंने आपको बताया है जब भी आपको फ्रैक्शन में बढ़ाना हो तो 20% का आपके पास तुरंत आंसर आना चाहिए कि 1/5 होता है, कितना होता है, 1/5, यानी कि एक्स का 4/5 इंटू 1/5 ये क्या था, वेद मत था, ये है उन्होंने मिले और कहा कि वह 4800 वोटों से क्या हो गया, विजयी हो गया, यानी किसके इक्वल हो गया, 48 हो गए, किसके बराबर हो गया, 48 हो गए, काट दो तो 4 से घटा तो 1200 पे कट गया, अब बच गए नीचे 25, 5×25 ये कहाँ जाएंगे, इसके पास मल्टीप्लाई होंगे, किससे मल्टीप्लाई होंगे, 12 से, तो 12 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 25, तो कितना आ जाएगा, 00, 25×50, 5×25 और 30, 800, 30,000, कितने वर्तों से, 30,000 मतों से। तो देखो दोबारा देख लेते हैं इस मेथड को, क्या है कि मैंने माना कि एक्स मत थे, जो डाले गए मतों की संख्या कितनी है, एक्स है, टोटल मत कितने हैं, एक्स, टोटल वोट कितने हैं, एक्स है, और एक्स मतों में से वेद मत कितने हैं, 4/5 हैं, कितने हैं, 4/5 वेद मत, वेद मत कितने हैं, 4/5, और 60% जीतने वाले को और 40% हारने वाले को मिला है। तो देखो कि अब अंतर कितना हुआ, 20% का, कितने का अंतर हुआ, जीतने वाले को 20% से जीता है वो, और उसने कहा कि 48% से जीता है, तो मैंने वेद मतों का निकाल लिया 1/5, जो जिसको किसको मिला है, जीतने वाले को, किसको मिला है, जीतने वाले को, यानी कि इसका 1/5 किससे जीता, 4800 से, तो x की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया, 1200×25 यानी 30,000, यानी कि टोटल मत वेट कितने थे, 30,000 थे, यानी कि टोटल वोट कितने थे उसमें, 30,000 थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, चलो देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी चुनाव में ए और बी ने, दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया, डाले गए मतों का 12.5% मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 5600 मतों से जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। चलो करते हैं अपने, अब इसने कहा है 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया, आपको पता है 20% ने भाग नहीं लिया तो भाग कितने ने लिया होगा, 80% ने लिया होगा, ये भाग लिया था ये नहीं लिया, 100 में से 20% ने भाग नहीं लिया तो बचे कितने, 80%, और 80% ने क्या किया है, भाग लिया है, तो वही कि मैंने माना कि x मत थे, मत कितने थे x, और x में से भाग कितना लिया, 80%, यानी कितने प्रतिशत भाग लेंगे, 80% का अभी अपनों ने निकाला था 4/5 होता है, कितना होता है, 4/5,
अब 4/5 व्यक्तियों ने क्या किया, भाग लिया। अब देखो आगे क्या कहा कि डाले गए मतों का 12.5% अवैध घोषित हो गए। कितने? 12.5%। 12.5% अवैध घोषित हो गए। और 12.5% का मैंने बता रखा है मतलब होता है 1/8। 1/8 यानी कि 8 में से 1 मत नहीं दिया। यानी कि तो बचा कितना जिन्होंने डाला, तो आपको हो गया 7/8 वाला। कितना बचा? 7/8। आपने मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो जिसने फ्रैक्शन अपना जो परसेंटेज जो टॉपिक स्टार्टिंग से कर रहा है उसको पता है कि मैंने बताया था कि अगर शेष निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, कि नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा दो और उसको ऊपर लिख के बटा में जो जितनी लिखी हुई है वो लिख दो। मैंने स्टार्टिंग से ही मेथड बताया हुआ है कि कैसे अपने शेष राशि निकालते हैं। तो यहाँ शेष ही निकाल रहे हैं कि ये तो कौन से हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया, तो इनमें से शेष निकालना है तो क्या करोगे, 1 माइनस करके ऊपर लिख दो 8/8, यानी कि 7/8 भाग व्यक्तियों ने क्या किया, भाग लिया। अब भाग कितना ने लिया? 7/8 भाग व्यक्तियों ने, 7/8 व्यक्तियों ने। अब देखो अब कह रहा है इसमें से कुल उम्मीदवार को, किसको, जीतने वाले उम्मीदवारों को 70% मिला। कितना मिला? 70%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 30% मिला होगा। कितना मिला होगा? 30%। तो आपको पता है, तो देखो 70 और 30 के बीच में अंतर कितने का? 40% का। और 40% का मतलब आपको फिर पता होना चाहिए कितना होता है, 2/5 होते हैं। कितना होते हैं? 2/5 होते हैं। चलो अब देखो, यानी कि x का 4/5 × 7/8 और 40% का मतलब मैंने बताया 2/5। ये क्या है कि ये जीतने वाले को मत प्राप्त हुए, और वो कह रहे हैं 5600 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया? 5600 मतों से। तो निकाल दो, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो काट दो इसको, 8 से 8 कट गया, 8 से कट गया, 7 2 8 56, 800 बच गया। अब ये 25 कहाँ जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 800 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 25 × 800, 25 × 800। और मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है कि कैसे अपने उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 25 दे रखा है तो क्या करेंगे, 2 बार तोड़ दो 5 5 में, और 5 से अगर किसी सम संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं कि उसका आधा कर दो। क्या कर दो? आधा कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। आधा करके क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ जाएगा? 8 का आधा एक बार करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया? 2000। फिर एक सॉरी 4000, फिर एक बार और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 20000। आंसर आ गया 20000। यानी 25 × 8 कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। 25 की टेबल आपको पढ़ी क्यों याद होती है, तो 25 × 8 = 200 होते हैं, 200 और 2 लास्ट में 0 और पड़े हैं, तो आपको पता हो गया 2000 आ गया, 20000 आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसी का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी चुनाव में ए और बी ने, दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया और डाले गए मतों का 100/9% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवारों का कुल मतों का 60% मतदाता प्राप्त हुआ और वह 6400 मतों से जीत गया। सेम क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, तो करते हैं। चलो इसने कहा कि वही कि 10% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया, 10% चुनाव में भाग नहीं लिया, तो भाग कितनों ने लिया? 90%। और x का 90% मतलब 9/10 भाग जो लिया है कुल मतों का, अपनों ने मान लिया कि कुल मत कितने हैं, x हैं, और x का 9/10 व्यक्तियों ने क्या किया है, भाग लिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसने कहा कि 100/9% 100/9% और 100/9% का मतलब आपको पता होना चाहिए 1/9 होता है। कितना होता है? 1/9। कि 1/9 ने भाग नहीं लिया, यानी 1/9 भाग नहीं लिया, तो शेष किस कितने व्यक्तियों ने भाग लिया होगा? मैंने अभी बताया कि ऊपर वाली में नीचे वाली में से ऊपर माइनस कर दो और लिख दो, यानी कि 8/9 ने क्या किया, भाग लिया है। 8/9 ने भाग लिया है। अब देखो भाग लिए उनमें से 60% को क्या मिला, जीतने वाले को 60% मिले और हारने वाले को 40%, तो अंतर कितने का? 20%। और 20 का मतलब होता है 1/5, निकाल दो 1/5। कितने मतों से जीता है? 6400 मतों से जीता है, तो x इंटू 9/10 इंटू 8/9 इंटू 1/5 इक्वल टू 6400, क्योंकि वो 6400 मतों से जीत रहा है और अपने जीतने वाले को निकाल रहे हैं कि कितने मतों से जीता। तो देखो 8 से 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 से 6400 किस पे कर गया, 8 2 6400, यानी कि 800। अब ये 5 × 10 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 800 से, तो x की वैल्यू हो जाएगी 800 × 50। तो 3 0 तो आ गया पहले से ही, और मैंने कहा कि आपको जब 5 से मल्टीप्लाई करना होता है तो उसका आधा करके लास्ट में क्या लगा दो? 0। तो आंसर आ गया 40000।
कितने मतों से जीत गया? आप कहोगे 40,000 मतों से विजयी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब देखो क्या है क्वेश्चन, किसी चुनाव में ए और बी ने भी दो उम्मीदवारों ने 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। क्या कह रहा है, ए और बी दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया, डाले गए मतों का 200 मत, कितने मत, 200 मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 600 मतों से जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल कितनी संख्या थी। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे रखा है कि 200 मतों से अवैध घोषित हो गए। अब इसमें वो संख्या नहीं दे रखी कि कितने, पहले जो क्वेश्चन था उसमें प्रतिशत दे रखा था कि इतने प्रतिशत से अवैध घोषित हो गया, अब यहाँ संख्या दे रखी है कि 200 मत अवैध हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो वही सेम कि अपनों ने माना कि एक्स मत थे, एक्स में से 20% मत क्या हो गए, भाग ही नहीं लिया, तो कितने प्रतिशत ने भाग लिया, 80%, तो 80% का आपको पता है 4/5 होता है। अब इतने व्यक्तियों ने तो भाग लिया, कितने व्यक्तियों ने, 4/5% भक्तों ने। अब इसने क्या कहा, डाले गए मतों का 200 मत अवैध घोषित हो गए। अब इसमें से कितने मत अवैध घोषित हुए, वही तो निकालते थे अपने, क्या निकालते थे पीछे कि अपनों ने प्रतिशत में निकाला कि इतने प्रतिशत वेद क्या हो गए, अवैध हो गए, तो बच्चे थे उसको ही लिखा था। अब अवैध कितने हुए, 200 माइनस 200। अब इसमें से जीतने वाले को 60% मिले और हारने वाले को आपको पता है 40% मिले, तो अंतर कितने का, 20%, अंतर कितने का, 20%। कितने मतों से जीता, 600 मतों से, कर दो। अब 20% का मतलब होता है 1/5, यानी इस पूरे का 1/5, इस पूरे का 1/5 निकालेंगे, क्योंकि इसमें से जीता है तो इसमें 1/5 निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 4/5 - 2 × 1/5 इक्वल टू कितने मतों से जीता, 600 मतों से जीता। तो अब ये 5 जो है किधर जाएगा, 600 के पास जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3000। यहाँ बच गया 4x/5 - 200। अब आपको पता है इधर माइनस का है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4x/5 इक्वल टू कितने हो गए, 3000 और 200 कितने हो गए, 3200, और 4 से काटोगे तो 32 किस पे जाएगा, तो आपको पता है 4 के पाड़े में 8 पे 32 आता है, 8 चौक 32 बच गया एक्स। अब 5 कहाँ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा, 800 × 5 कितना हो गया, 4500, कितना हो गया, 4000। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब देखो इसको और किस तरीके से अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं, दूसरा मेथड क्या है इसका, जो कि आपको आसान लगेगा कि आपको पता है कि क्या कहा इसने, 20% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, 20% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, 20% का मतलब होता है 4/5, कितना होता है 20% का मतलब, आप कहोगे 4/5, यानी कि 5 में से 4 व्यक्तियों ने क्या किया, भाग नहीं लिया। चलो यानी कि अनुपात बना दें तो क्या बन जाएगा, यानी कुल मत कितने हो गए, 5, भाग लिया 4 ने, ठीक है 5 में से 4 ने क्या किया, भाग लिया। आपने कहा कि 5:4 हो गया, दूसरा कि इसने कहा कि 200 मत क्या हो गए उसमें से अवैध घोषित हो गए, 200 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। अब देखो अब इसने कहा ए को मिले 60%, तो बी को कितने मिले, 40%, कितने प्रतिशत, 40%। अब इन दोनों का अंतर कितने का है, आप कहोगे 1/5 का अंतर है, सॉरी 20% का, और 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5। अब 1/5 होता है और इसने कहा कि वह 600 मतों से जीत गया, कितने मतों से जीत गया, 600 मतों से। अब देखो क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं अपने, उसने कहा कि 20% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, यानी कि 5 में 5/4 4/5, यानी 5 मत थे उसमें से 1 मत अवैध घोषित हो गया, तो डले कितने, 4 डले, कितने मत डले, 4 मत डले। अब इसने कहा कि 200 मत फिर अवैध घोषित हो गए, यानी 200 मत अवैध घोषित हो गए, तो माइनस अपनों ने 200 कर दिया। उसके बाद जो बचा, अब इतने वोट थे 5, देखो कि 5:4 में थे, यानी कि 5 टोटल थे, उसमें से डले कितने, 4, 4 डले, उसमें से भी 200 माइनस हो गए। उसके बाद जो बचे वो ए को 60% मिला, बी को 40% मिला, यानी अब ये जो है ए जो है बी
बी से कितने मतों से जीत रहा है? आप कह रहे हो 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5। अब उसने कहा कि वह 600 मतों से जीत गया और यहाँ जीत रहा है 20% से, तो 1/5 का मतलब हो गया कि 600 से बच जीता, 1:1 की वैल्यू कितनी हो गई आप, हो गई 3,000 हो गई, कितनी हो गई 3,000 हो गई 1:1 की वैल्यू। अपने को निकालना है 5:1 की वैल्यू, कितने की निकालनी है 5:1 की, अपने को टोटल मतों की वोट निकालनी है। अपने यहां पर पहुंचे यानी कि जो अवैध हो गए उसके बाद जो अंतर आया वो कितना है कि 3,000 है, कितना है 3,000 1:1 की वैल्यू। अब देखो 3,000 यहाँ था तो 4:1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 4:1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो कि 3,000 यहाँ आ रहा है, अपना अनुपात क्या आ रहा है यहाँ डाले गए मतों का, कुल वैध मतों का अनुपात आ रहा है 3,000 1:1 की, तो यहाँ इसमें जुड़ के फिर ये 4,000 के पास पहुँचेगा ना, तो 3,000 + 200 कितने हो गए 4 3200, यानी कि 4:1 की वैल्यू कितनी होगी 3200, 1:1 की वैल्यू 800, 1:1 की वैल्यू कितनी होगी 800, तो 5:1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप कहोगे 4,000, आंसर कितनी हो जाएगी 4,000, 5:1 की वैल्यू, 5:1 की वैल्यू कितनी होगी 4,000, यही अपना आंसर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्या क्वेश्चन है अपना कि क्या कह रहा है, किसी चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, कुल मतदाताओं का 3/5 भाग लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया और बचे हुए लोगों ने बी को मतदान देने का वादा किया, लेकिन मतदान के दिन 20% मतदाताओं ने ए को मत देने से मुकर गए और 15% मतदाता बी को मत देने से मुकर गए, और अगर ए 800 मतों से जीत गया तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी। तो क्या क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार थे ए और बी, कितने थे ए और बी दो उम्मीदवार थे, और क्या कहा कि कुल मतदाताओं का 3/5 भाग लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया था, ठीक है, और लेकिन बचे हुए लोगों ने बी को वोट दिया, ठीक है। अब क्या कहा कि मतदान के दिन 20% मतदाताओं जो हैं ए को मत देने से मुकर गए और 15% मतदाताओं ने बी को देने से मुकर गए। तो देखो क्या है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखो कि 3/5 का मतलब क्या है कि टोटल मत कितने थे 5 थे, कितने थे 5 थे, और इसने कहा 3/5 भाग लोगों ने ए को मत देने से देने का वादा किया, यानी कि 5 में से 3 ने किसको देना है ए को देना है और बचा हुआ किसको देगा बी को देगा। तो मैंने माना कि टोटल 500 वोट थे, कितने थे 500 मत, टोटल मान लेता हूँ मैं, ये अनुपात में दे रखा है तो मैं इसको मान लेता हूँ कि 500 टोटल मत थे, ये जो टोटल मत है कितने हैं 500 है, 500 में से 3 यानी कि 300 किसको देगा ए को देगा, तो बचे हुए किसको देगा बी को, यानी कितने 200, यही बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि 3/5 भाग ए लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया था 3/5, तो 3/5 का मतलब कितना हो गया कि 500 टोटल वोट थे, तो 300 ए को देंगे बी को कितने देंगे 200, ठीक है। तो अब देखो क्या कहा कि आगे क्या कह रहा है कि बचे हुए लोगों ने बी को मतदान किया, मतदान के दिन 20% लोगों ने ए को मत देने से मुकर गए, ए को मत देने से मुकर गए, यानी कि 300 का 20% लोगों ने क्या किया ए को वोट नहीं देंगे, कितने प्रतिशत होता है 300 का, यानी कि 20% कितना हो जाएगा आप कहोगे 60 हो जाएगा, कितने मत हो जाएंगे 60, यानी कि ये जो 60 जो है इसको मत नहीं देंगे, अगर ये इसको वोट नहीं देंगे जो 60 है, यानी यहाँ से माइनस जो होंगे ये जो मत हैं, यानी कि ए को अगर नहीं देंगे तो किसको देंगे, किसी ना किसी को तो मत देंगे, लेकिन देंगे किसको बी को देंगे, यानी कि ये यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, किया वादा तो था ए को देने का लेकिन ए को नहीं दे रहे तो किस किसी ना किसी को देंगे, तो दूसरा पार्टिसिपेट कौन है बी है, यानी ये इसको ना देकर किसको देंगे बी को देंगे। चलो नेक्स्ट लाइन क्या है, 15% मतदाताओं ने बी को मत देने से मुकर गए, तो 15% बी को मुकरे, तो बी के थे कितने 200 थे, उसका 15% कितना हो गया 30 हो गया, कितना हो गया 30, यानी कि 30 जो है बी को देने थे, किसको देने थे बी को, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, यानी कि माइनस हो गए यहाँ से, यानी कि बी के जो कैंडिडेट थे जो वोट देना था वो यहाँ से माइनस हो गए, लेकिन देंगे किसको रहेंगे ए को देंगे, किसको देंगे ए को, तो वहां कितने चले जाएंगे 30, ठीक है। अब देखो अनुपात बनाओ अभी इनका, तो देखो कि 300 में से 60 और 30, 60 तो माइनस हुए 30 जुड़ गए, तो माइनस कितने हुए 30 ही हुए ना,
तो कितने बच गए, 270। कितने बच गए, 270। यहां देखो कि प्लस 60 हुए, माइनस 30 भी तो हो रहे हैं, यानी कि टोटल कितने होंगे, प्लस 30, यानी कि 230। कितने होंगे, 230। अब इसने कहा कि जो ए जो है वो 800 मतों से जीत गया, तो देखो कि ए कितने मतों से जीत रहा है, ए कितने मतों से जीत रहा है। आप कहोगे 40 मतों से जीत रहा है, और वो कह रहा है कि 800 मतों से जीत रहा है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। अनुपात की वैल्यू निकाल ली तो कितना हो गया, एक अनुपात की वैल्यू 20। अगर एक अनुपात की वैल्यू आ गई तो आप बता सकते हो कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, और कुल मतदाताओं की संख्या कितनी मानी है अपनों ने, 500 मानी है। कितनी मानी है, 500। तो 500 इंटू 20 कितने हो गए, 10,000। कितने हो गए, 10,000। तो अपनों ने निकाला किस तरीके से निकाला, दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं कि किसी चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, कुल मतदाताओं का 3/5 भाग लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया था, यानी कि टोटल वोट कितने थे, 3/5। 3/5 में से 3 जने ए को वोट देंगे, बाकी बी को देंगे। मैंने माना कि टोटल वोट कितने हो गए, 500 हो गए। 500 में से 3 मतलब 300 वोट किसको देंगे, ए को, तो 200 किसको देंगे, बी को देंगे। अब इसने कहा कि मतदान के दिन 20% लोगों ने ए को मत देने से मुकर गए। अब 300 का 20% निकाला तो 60, यानी कि 60 यहाँ से चले गए। ए को जिसने वोट देने थे वो 60 लोग तो कहाँ चले गए, बी के पास, क्योंकि इसको वोट नहीं दिए तो किसको देंगे, बी को देंगे, यानी कि बी के पास प्लस हो गए 60। अब इसने कहा बी बी के जो है 15% मतदाताओं ने मुकर गए, यानी कि 15% कितने हो गए, 30, यानी कि 30 कहाँ चले जाएंगे, ए के पास चले जाएंगे। तो देखो कि 300 थे पहले, टोटल कितने थे, 300। अब यहाँ से 60 माइनस हुए और प्लस 30 हुए, तो अंतर कितने हो गया, प्लस माइनस 30 का, यानी कि माइनस 30 यहाँ चले गए, तो माइनस 30 हुआ तो कितने हो गए, 270। अब यहाँ कितने का हो गया, प्लस 30 का अंतर। अब प्लस 30 यहाँ जुड़ गए, यानी कितने हो गए, 230। फिर भी कहा कि ए जो है वो बी से जीत गया, कितने मतों से, 800 मतों से। तो आप दे रहे हो कितने मतों से जीत रहा है, 40 मतों से, और 40 किसके बराबर है, 800 के, तो एक अनुपात की वैल्यू 20। तो पूछा क्या था, कुल मतदाताओं की संख्या, तो मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 500 × 20, क्योंकि अपनों ने माना कितने है, टोटल 500 माने, तो 500 × 20 कितने हो गए, 10,000। आंसर अपना बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो ये थे अपने आज के परसेंटेज का टॉपिक, जिसमें अपनों ने वोट से रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट, जितने भी टाइप के थे, हाई लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप के, और जो बचा हुए टाइप हैं वो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कॉमेंट और लाइक तो बनता ही बनता है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कॉमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।